समाज में आज भी, मतलब शहरों में भी ज़्यादा होता है, या कोई खुल के बोलता नहीं है, लेकिन आपको पता चल जाता है जब किसी के वहाँ बेटी पैदा होती है, या दूसरी बेटी हुई या तीसरी बेटी हुई, तो वो उनके चेहरे के हाव भाव से भले ऐसे स्माइल रहती है मुंह पे, लेकिन आंखों में देख पता चल जाता है कि ये खुश नहीं है। हाय अमरजी, वेलकम टू टेली बाइट्स। थैंक यू। न्यू शो के लिए सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आप। थैंक यू। और ये पूछेंगे, जब डोरी नाम दिया है तो इस वर्ड से सबसे पहले आपके माइंड में सबसे फर्स्ट वर्ड क्या आता है? डोरी। जब पहली बार सुना मैंने तो मुझे लगा डोरी नाम है, मतलब कोई इमोशनल बॉन्डिंग होगी, इमोशनल बॉन्डिंग होगी। थोड़ी कहानी पता चली तो बोला बाप और बेटी की बीच की जो डोरी होती है इमोशनल बॉन्डिंग की, वो डोरी होगी। तो ये डोरी को फिर जाके मतलब मालूम पड़ा कि ये डोरी जो यहाँ पे ठाकुरों का परिवार है उनके साथ भी ये डोरी जुड़ी हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा सटीक नाम दिया गया है इस शो का, डोरी। पहले आप थोड़ा हाँ, डोरी डोरी बेसिकली एक गरीब बुनकर परिवार से बिलोंग करता हुआ गंगा प्रसाद, जो मैं प्ले कर रहा हूँ, वो और उसकी जो अडॉप्ट की हुई बेटी है छोटी सी, उसकी कहानी है। ये जो छोटी बच्ची है उसको गंगा जी में किसी ने बहा दिया, क्योंकि उनके घर में बेटी पैदा हुई है, बड़े वाले बड़े घराने वाले ठाकुरों के घर पे वहाँ रिवाज है कि उनके घर में कभी बेटी पैदा ही नहीं हुई आज तक। और जो हमारी एक और कैरेक्टर हैं इसमें, तो राजपुत्रा कर रही हैं, उनको जब बेटी पैदा होती है तो उसको लगता है कि उसकी सांस जो है वो उसे मार देगी, तो वो गंगा जी में बहा देती हैं उसे। और तब यहाँ से कहानी शुरू होती है, जब इसको मिलती है बेटी और इसको अडॉप्ट करता है गंगा प्रसाद, जो है बेसिकली वो हैंडीकैप है, बुनकर है, और इसका कोई परिवार नहीं है, इससे कोई शादी नहीं करता क्योंकि एक तो हैंडीकैप है, ऊपर से गरीब है, इसके पास पैसे ही नहीं है, फटी फूटी हालत में रहता है, तो इसको कौन बेटी देगा अपनी, तो इसका परिवार है ही नहीं। तभी लड़की इसकी ज़िंदगी में आती है, छोटी बच्ची, तो उसका परिवार बन जाती है। और कैसे ये फादर डॉटर का जो ये बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड की कहानी है, और सामने जो उसका असली परिवार है, उसका फैमिली ब्लड रिलेशन वाला, वो कैसे इनके साथ भिड़ता है, और बहुत कुछ है। मतलब ये बेसिक एक जेस्ट बताया स्टोरी का क्या है। मतलब नॉट एग्जैक्टली ऐसा, लेकिन समाज में आज भी, मतलब शहरों में भी ज़्यादा होता है, या कोई खुल के बोलता नहीं है, लेकिन आपको पता चल जाता है जब किसी के वहाँ बेटी पैदा होती है, या दूसरी बेटी हुई या तीसरी बेटी हुई, तो वो उनके चेहरे के हाव भाव से भले ऐसे स्माइल रहती है मुँह पर, लेकिन आँखों में देख पता चल जाता है कि ये खुश नहीं है। तो ऐसा क्यों, बेटी क्यों नहीं, ये वाला सवाल होना चाहिए ना, बेटी क्यों नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है हर हर शहरों में, हर जगह। तो ये मैंने नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने देखा है यहाँ वहाँ। आपकी सिस्टर से क्या कि आप इसके अंदर एक हैंडीकैप का किरदार निभा रहे हैं, वो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा है? क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है जब आप शूट कर रहे हो तो दोनों हाथ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा आपने, कभी ऐसे कभी नहीं, गलती हुई तो फिर हम लोग कट कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअली एक आध बार हुई है, लेकिन बट आई एम वेरी कॉन्शियस कि मेरे को मुझे एक ही हाथ यूज़ करना है, और कभी कभार तो शॉर्टकट होने के बाद मेरा हाथ वहीं रह जाता है अटक के, तो फिर डायरेक्टर बोलता है कि अरे भाई तेरा हो गया है। तो बेसिकली इट्स अ सपोर्ट फॉर एन कैरेक्टर, एक ही हाथ ख़राब है तो एक सपोर्ट हो जाता है एक उस कैरेक्टर को जस्टिफाई करने में फिजिकली, यू नो, कि हो सकता है कि बुनकर का हाथ ख़राब हो रहा है, एक हाथ से बुन रहा है, तो एक चैलेंजिंग कैरेक्टर बन जाता है एक अपने आप में, कि कैसे करेगा ये सब कुछ, बुनकर है और एक ही हाथ है, तो ये चैलेंज है अपने आप में एक, तो इट्स वेरी नाइस। अमर जी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब ये सवाल होता है कि लड़की क्यों नहीं, और शो में इस तरह से बताया गया? मैंने वही मैं ही कहता हूँ, लड़की क्यों नहीं है ना, तो ये शो बनना चाहिए था बहुत साल पहले, ये टेलीविज़न पे फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा शो आ रहा है, फिल्मों में भी ऐसे बाप और बेटी की कहानी कभी नहीं आई है, तो ये आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस शो का हिस्सा बना हुआ। आई थैंक कलर्स टीवी, आई थैंक जय मेहता प्रोडक्शन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू डू दिस रोल गंगा प्रसाद का, और मैं ऐसा रोल करना चाहता था, एक गरीब का पिछड़ा हुआ, एक बहुत ज़्यादा गरीब इंसान कैसे बिहेव करेगा समाज में, कैसे रहता होगा, तो वो मैं, और ए विद सोशल मैसेज, इट्स वेरी आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम डूइंग दिस रोल। मानी का भी डेब्यू शो है और सुधा जी जी हाँ हाँ वेटरन है, माही तो ऑफ कोर्स ही सुपर गर्ल, मतलब बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी एक्टर है, फर्स्ट शो है उसका, छोटी सी बच्ची है, प्यारी सी, क्यूट सी है, बहुत ब्यूटीफुल लुकिंग छोटी बच्ची है, और
लाइंस उसको याद रहती हैं, पट पट बोल जाती है, एक टेक में शॉट देती है, उसको पसंद नहीं आया तो रिटेक भी बोलती है, अपने आप कट बोल देती है, मतलब बहुत क्यूट क्यूट हरकतें उसकी, छोटी नोटी नोटी, तो वो मतलब वो सेट पे बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करती है, बहुत प्यारी लड़की है। सुधा जी ऑफकोर्स, सुधा जी का इसमें जो उन्होंने किरदार किया है, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, वो बहुत ही सटल नेगेटिव किया है, बहुत लाउड या कुछ बिल्कुल नहीं, एकदम बहुत ही अंडर प्ले, बहुत ही कड़क परफॉर्मेंस दी उन्होंने। आई थिंक लोगों को बहुत पसंद आया उनका रोल। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा ऑनेस्ट अटेम्प्ट है हमारा इस समाज में एक अच्छा मैसेज देने का, जो गर्ल चाइल्ड की तरफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, लड़कियों जब लड़कियाँ जब पैदा होती हैं तो उतना खुशी का माहौल नहीं होता जितना जब लड़के होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ये एक समाज में एक फ़ाइट है इसी चीज़ की, और ये डोरी वही शो है, और बाप और बेटी की कहानी कभी नहीं आई, तो एक ऐसा नहीं है कि माँ ही सिर्फ माँ ही बच्चों को अच्छे संस्कार या अच्छी तरह से पाल सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बाप भी कर सकता है, ये वो स्टोरी है। Serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.